हरियाणा के यमुनानगर के बिलासपुर में चल रहे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान होगा, जिसमें 10 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मेले में कोरोना के नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मोगा डिस्ट्रिक्ट। मोगा, मास कहाँ है आपका? मास का ये कमरे में पड़ा। कमरे में पड़ा, तो ये आप लगाइए, पता है आपको कोरोना है अभी गया नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई साहब, हेलो। हाँ जी, कहाँ से आए सर आप? मोगा जी। मोगा, हाँ जी। तो क्या मानता है यहाँ की? मानता है जी, जो चीज है तो मानेगा वो पूरी होएगा, जो भी चीज मानेगा। बहुत बड़ा तीर था जी ये, नहीं जैसे पीछे कोरोना की वजह से आ नहीं पाए थे, कुछ मन में टीज थी आपके? है जी, कोरोना था ना पिछली बार, तो मेला नहीं हाँ, लगा। हाँ जी, तो इस बार लगा, तो क्या मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना जो जो भी श्रद्धा के नाले थे आंदा, पूरी मनोकामना पूरी होती है, जो भी चीज जो भी चाहिए वो पूरी होती है। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक सरकार ने बात कही है कि जो मेला लगा क्योंकि कोरोना भी गया नहीं तो मास्क लगाना, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो कहना हूँ कोरोना कितने है जी, सारी दुनिया फिर दी है जी, बेली कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं है, कहना ये छी जाते हैं डॉक्टर। नहीं उसमें ना प्रशासन मास्क दे रहा है, आप जाइए मास्क लीजिए। प्रशासन तो कहना मास्क नहीं पहना तो हम लोग कैसे पहने, देखो किधर पहना तुम बताओ। जो लोग भी यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसने बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में डैमेज किया है और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो अगर कुछ गाइडलाइंस पालन करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है, हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तो हमें उसका पालन ज़रूर करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। और कोई खास दिक्कत भी नहीं है इसमें, अगर मास्क किसी के पास नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ प्रोवाइड करवा रही है मास्क, तो हमें उस हिसाब से ज़रूर मास्क लगाना चाहिए और कोशिश करें जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। आदेश हैं कि सभी नाकों पे वादा जी चेकिंग हो रही है वादा बराबर, और लोगों को भी हम अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को वादा फिर कराना है कि सभी लोग वादा मास्क पहने और 2 गज की दूरी को वादा बनाए रखें। अनाउंसमेंट के माध्यम से ये बार बार बात कहलवाया भी जा रहा है और सभी नाकों पे जो है चेकिंग भी करवाई जा रही है। तो हम लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से भी वातावेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे चेकिंग हो रही है, जो मेडिकल कैंप जहाँ पे लगे हुए हैं हर जगह वहाँ पे क्या की चेकिंग करवाई जा रही है। फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो हम इसमें और जो है स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं और कोई भी वाता बिना चेकिंग के नहीं आ पाएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।